Where from? London. London. Yeah. Wow, bhai saab, ye London se hain. London. No, 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 no need this time, okay? Bhai, dekho, ye bula ke le jaya, lekin ke saath jana mat. Ye phasane wale log hote hain. Hey, xinchao. Oh, okay, chao. Hey guys, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक और ऐसे वीडियो में। और जैसा कि जानते हो कि अभी हम हैं वियतनाम में, और जिस जगह पे अभी हम हैं इस जगह का नाम था निन बिन। और आज हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं नेशनल कैपिटल ऑफ वियतनाम यानी हनोई में। और हमारा वो लास्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे 14 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और हनोई से फिर हमें आगे निकल जाना है थाईलैंड के लिए, जो आपको आगे पता चलेगा। ओके आंटी, बाय बाय बाय। भाई ये थी आंटी यहाँ पे, जिनके साथ हम यहाँ पे रुके थे, बहुत अच्छी थी। अंकल भी थे, मतलब अंकल मुझे 100% यहाँ पे पसंद आया। बाय बाय, नमस्ते इंडिया, वेलकम टू वियतनाम, बाय बाय बाय। यार लोग अच्छे थे, मजा आ गया यहाँ पे। चलो बैठते हैं। सो फाइनली यार पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। ये रहा रेलवे स्टेशन यहाँ का, निन बिन रेलवे स्टेशन। सिंचा, थैंक यू। तो भाई साहब 4 बज चुके हैं, 4:35 पे अपनी ट्रेन है। तो यहाँ पे जैसा कि दिखा दिया है, ये कुछ ऐसा टिकट है यहाँ का, एटीएम से जैसे स्लिप निकलता है ना, वैसे ही यहाँ पे टिकट है। तो फाइनली यार आ चुकी है अपनी ट्रेन। आपने कश्मीर घूमा होगा ना, सेम वैसे ही है, कलर भी सेम है। चलते हैं फटाफट ट्रेन के अंदर। चलो भैया अंदर चलते हैं ट्रेन के। कितना नंबर है? 2 घंटे की सफर है यहाँ से, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हनोई। हनोई में दिखाते हैं, कुछ शाम को देखे थे रंगारंग कार्यक्रम होगा तो आपको वो सफर कराते हैं। ऐसे लग रहा है मैं होटल होटल में बैठा हूँ, जिस तरह से यहाँ पे ये कुछ सुविधा है पानी वानी पीने के लिए, देख रहे हो ना, पूरा बेसी लगा हुआ है। यार मानना पड़ेगा ट्रेन तो पुरानी है, लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम है ना, हमारे 3rd AC में भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं होगा। ऐसे लग रहा है कि मिनी होम में बैठा हूँ। हे हेलो सिंचा, हेलो फोन, हेलो 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 सिंचा। ये देखो पूरा यहाँ से मस्त दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी ट्रेन है, बज भी रही है। वाह वाह, ये देख रहे हो कितना मस्त लगा है। और ये स्टेशन खूबसूरत लग रहा है यार, पूरा सिटी के बीचों बीच है। वेलकम टू हनोई वियतनाम। सो फाइनली यार अब पहुंचने वाले, हमने हॉस्टल लिया हमने यहाँ पे, और जिस एरिया में हमने हॉस्टल लिया है ना, ये एरिया यहाँ का ओल्ड टाउन है। तो ओल्ड टाउन का मतलब यहाँ पे आपको सारी बिल्डिंगें पुरानी पुरानी दिखने वाली है। ऐसे तो आपको हनोई में सबसे ज़्यादा पुरानी पुरानी बिल्डिंगें ही हैं, क्योंकि वो सब फ्रेंच के टाइम का है, और नाइट लाइफ भी इधर ही है, तो मज़ा सब इधर ही आने वाला है। यार इसको ना हम कब से खोज रहे थे, ऐसे दिखा रहा है 3 मीटर हम चल के आगे 10 मीटर कम से कम। नाइस नाइस नाइस, हेलो सिंचा। मतलब अभी तक के हॉस्टल में सबसे अलग हॉस्टल होने वाला ये मेरा गजब का हॉस्टल हमने लिया है। ये देखो इन्होंने कार्ड दिया है, ये खुल ही नहीं रहा, खुल गया, वाह क्या बात है। सबसे अच्छा क्या लगा है मुझे इसमें, बाथरूम, ट्रांसपेरेंट बाथरूम है, अंदर जाने के बाद ना बाहर भी दिखाई देगा कि नहा कौन रहा है। चलो यार हम लोग हो गए रेडी और अब निकलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के पहले बता दूं कि जिस हॉस्टल में हम रुके हुए हैं, इस हॉस्टल का अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब इसमें लड़का लड़की सब एक ही में रुक सकते हैं, यानी हम गोपियों के बीच में रुके हुए हैं, 2 कान्हा, वाह क्या बात है। और हॉस्टल से निकलते हैं भैया, यहाँ पर हो जाती है मार्केट स्टार्ट। ये आप सामने देख रहे हो ना, ये है मार्केट यहाँ का, ये मतलब ओल्ड टाउन में ही हम हैं, तो मार्केट वगैरह के लिए हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा, इधर ही सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो अभी हम निकले हैं तो थोड़ा सा नाइट लाइफ ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। बियर वगैरह ऐसे रास्ते में मिलने वाले हो? ओके 20,000 गोइंग टू हॉस्टल। गजब का माहौल है यार, यहाँ तो भीड़ है पूरा, नाइस यार। ऐसे सुनने में आया कि ये देखो क्या है भाई, हाँ बस ये जो माहौल है। हेलो वेलकम टू वियतनाम इंडिया इंडिया ओके इजर। तो भाई साहब ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं और फोन में दिखाते हैं कि लड़कियां वगैरह। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, नमस्ते इंडिया। नो 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 नीड दिस टाइम, ओके मसा हैप्पी हैप्पी, नो 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 नो
come see, look check, no money. So and let me down. Yeah. Okay, they just no no look no money. भाई देखो ये बुला के ले जाया लेकिन इनके साथ जाना मत, ये फंसाने वाले लोग होते हैं. ए सिंचाओ. Okay, चाओ. Okay, okay. अपनी प्रॉपर्टी का है. Bye. Hey, hello. How are you? I'm fine. You? Where from? I'm from South Africa. And you? South Africa. Wow, India. India. Yeah. Nice to meet you. Yeah, same. भाई साहब देख रहे हो मार्केट कैसा खचाखच भरा हुआ है, मतलब अलग एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ पे. आइए, मतलब इतना नाइट लाइफ तो वहाँ पे देखा था हमने हो ची मिन में, लेकिन इतना क्राउड नहीं था. यहाँ पे ज़्यादा नाइट लाइफ है और ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है. यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अलग एक्सप्लोर करने को मिलेगा, अलग जानने को मिलेगा, जैसा कि अभी आपने देखा. भाई यहाँ का एक्सपीरियंस जो है ना अलग ही लेवल का है. मतलब जो ग्रैब वाला ड्राइवर वगैरह होते हैं ना, वही आके बता रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए. लुक, लुक, लुक. ये देखो ये पीछे ही पड़ गया. ए सिंचा. कितना प्यारा कुत्ता है यार. लुक. नो 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 नो. ये तो पीछे ही पड़ गया यार. तो अभी तो हम अपने हॉस्टल पे जा रहे हैं, जो दूसरा हॉस्टल है अपना ना, उस हॉस्टल पे जा रहे हैं क्योंकि फ्री ड्रिंक है, तो सोच रहे हैं वहाँ से कुछ पी के आते हैं, फिर यहाँ पे कुछ घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे. मार्केट अच्छा है मेरे हिसाब से, हो ची मिन जो है ना उससे ज़्यादा नाइट लाइफ यहाँ का है. अब पता नहीं दोनों में फेमस कौन है, ये आप कमेंट में जो बताइएगा. क्या बात है, क्या बात है, माहौल तो यहाँ पे है. वाव. हे सिंचाओ. भाई साहब यहाँ तो माहौल ही अलग जमा हुआ है, पूरा भड़क भीड़ भड़क का गजब का एक्सपीरियंस है यार. यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है, सारे लोग ड्रिंक करने आए हैं. फ्री वाला ड्रिंक है, हॉस्टल में ही मिलता है जो. वो यार यहाँ तो गजब का एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे साथ. भाई साहब यहाँ पे ना नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था, ये पहली बार मैंने देखा यहाँ पे हॉस्टल में इतना ज़्यादा भीड़ होता है. मज़ा आ गया, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है. हेलो, वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम? लंदन. लंदन. वाह भाई साहब ये लंदन से है. लंदन. गोइंग बैक टू लंदन और इंग्लैंड? या लंदन. लंदन यार. लंदन और आई एम फ्रॉम इंडिया, दिल्ली. Delhi, you nice. Look like a yeah, Indian. Indian. No, no way. His face like look like Indian. Yeah. Really? Yeah. Like, look like an Indian heroine is Katrina Kaif. You know? Really? Katrina. No, I don't know. You don't know? You don't know Bollywood? No, I don't really. Oh know my Bollywood. God, bhai saab. You know Shah Rukh Khan? Yes. Yeah. Only Khan, Salman Khan? No. Oh. Only Shah Rukh Khan. Only Amitabh Bachchan? No. भाई साहब अमिताभ बच्चन की बेइज्जती हो गई शायद मेरे हिसाब से, जब से गुटखा का प्रचार कर रहे हैं तब से ऐसा हो रहा है. ओके एंजॉय. एंजॉय. या या इज अ फ्रेंड. या माय फ्रेंड फ्रॉम होम. या हे हाय. ऐसे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हॉस्टल होते हैं इसीलिए कि एंजॉय करने के लिए. इसे होस्टल पर एंजॉय. या यहाँ पे चलिए पार्टी भाई, फुल पार्टी. Full party. Full party. Full party. No, full. Full, full. Oh, full party. तो भाई यहाँ मस्त मजा आ रहा है, enjoy. Yeah. तो ऐसा ऐसा माहौल है यहाँ पे. कहाँ करे अब, चले क्या? छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है. ये तो है. मेरा नाम चिमी है. Oh my God. Oh, यार हिंदी बोल रहा है भाई साहब. You really shocked me, यार really. Very good Hindi, yaar. In Rajasthan. Rajasthan? Haan. Okay, great. So, यहाँ से हम निकल चुके हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए फिर निकलते हैं वापस. मज़ा आ गया यार पे, मज़ा आएगा. यहाँ पे हमें तो रेगुलर आना है क्योंकि हमें जितने दिन यहाँ पे स्टे करना है ना, थिंकिंग करनी यहीं पे आना है. हे सिंचाओ. भाई साहब. Yes, thank you, thank you. भाई साहब. भाई साहब वाह. भाई साहब यहाँ पे लोग हिंदी में बोल रहे हैं, शॉकिंग मिल रहा है, लोग हिंदी भी बोल रहे हैं. हेलो सिंचाओ. यार सच में कुछ शॉकिंग चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे, जहाँ तो लोग हिंदी मिल जा रहे हैं और बहुत ही क्राउडी एरिया है ये. या
यहाँ पे बियर 40,000 का है। नाइस यार, बहुत ही अच्छा, मतलब देखने में ही मजा आ गया यहाँ पे। हे हेलो, या तो कंफर्म यार, डेफिनेटली हमें मजा आने वाला है इस मार्केट में। यहाँ पे पार्टी वगैरह, क्लब वगैरह सब, मेरे हिसाब से पार्टी वगैरह, क्लब वगैरह मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना यहीं पे है। हे नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है भाई यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। आंटी क्या बेच रही है? या 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 भाई साहब यहाँ पे तो पकड़ 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 के लेके जा रही है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा फेमस है यहाँ पे यार। ये ना ये स्ट्रीट जो है ना बहुत ही बड़ा स्ट्रीट है, हो ची मिन से तो बड़ा ही दिख रहा है यहाँ पे। क्या ही माहौल है। ए! पूरे देख रहे हो लाइटिंग वगैरह जो है ना एक नंबर है, पूरा अंधेरे में हम लोग हैं। हेलो इंडिया, हेलो कोलंबिया, इंडिया, हेलो इंडिया, इंडिया, हेलो इंडिया। भाई साहब यहाँ का एक्सपीरियंस है ना नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। सच बताऊँ तो अभी तक के ट्रिप में मतलब ये तो है ही नाइट लाइफ के लिए फेमस, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस यहाँ का अलग है। मार्केट हो गया ख़त्म, और यहाँ पे देखो आपको आने वाली वीडियो में एक और चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं ना सबके सब पुरानी है। वाव, ये था जिस साइड हम गए थे, गजब का एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ। हेलो इंडिया, हेलो, वेलकम टू वियतनाम। तेरी अकेले की आवाज ही निकलती, उनकी आवाज ही नहीं निकलती। ये लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है खाना खा के ये नहीं आया। एक गली हो तब यहाँ पे दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो पता नहीं कितने गलियाँ हैं, अभी तो हमने 2-4 गलियाँ घुमा है। अब सबके ऊपर यहाँ पे नाइट लाइफ है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और सब कुछ मिल रहा है, समझ रहे हो ना, सब कुछ मिल रहा है। यही रिकमेंड करूँगा अगर आप बैचलर हो ना तो इसी एरिया में आकर रुकना, ओल्ड टाउन में। मस्त है ना जतिन भैया, देखो मस्त माहौल है। वाह भाई साहब यहाँ पे ये मस्ती है। हेलो सिंचा, क्लब क्लब, यस क्लब स्टार वियतनाम, नो नो टुडे इज नो नीड टू क्लब, यू कैन चार्ज फ्री राइट हियर विद किस। वाओ, यहां पे क्लब ऐसे भी है जब फ्री टिकट है, अंदर जाने के बाद सामान वान खरीदना पड़ता है यार। यू हैव यू द बर्ड राइट, या फ्रॉम इंडिया, ओके। वो भाई साहब इस लेवल का एक्सपीरियंस है, अंदर देख रहे हो ना। ओ दिस क्लब वियतनाम, यू कैन चार्ज इसे द सर्कल एंड यू कैन चेक फ्री, इट्स चेकिंग फ्री एंड इनसाइड टेक अ बियर। ओके ओके भाई साहब, अंदर बियर वगैरह लेनी पड़ती है। ओके फॉर मी, फॉर मी परचेज नेम दुकाई, 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 यस भाई, इसका नाम दुकाई या ढुकाई। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव आल्सो वियतनाम। ओके या तो ऐसे ऐसे क्लब है यार, यहां पे फ्री में भी एंट्री है और पेड एंट्री भी है, जहाँ भी जाना चाहते हो चले जाओ यार, सब में मजे हैं। अंदर पीने पड़ते हैं बस, यही होता है और क्या होता है। तो यार फाइनली मतलब मेहनत रंग लाई, ऐसे ही बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाई, और कहीं ना कहीं जाके हमें फिर रेगुलर जैसा ये ब्रेड मिला है खाने के लिए। अंदर से वो फील आ रहा है कि इंडिया चले जाए, वहाँ का मसाला वाला चिकन खाए दबा के फिर सुकून मिलेगा। आज की जर्नी अपनी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जो होने वाला है धमाल। तो चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बाय बाय, वेलकम टू वियतनाम।